वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल गाइज, दिस इज हिमांशु शर्मा एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर शोइंग योर लव ऑन दैट लास्ट वीडियो, कीप सपोर्टिंग मी गाइज। सो आज का वीडियो चेस्ट एंड ट्राइसेप्स हम ट्रेन करेंगे एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मसल बिल्डअप के साथ साथ कैसे स्ट्रेंथ को इम्प्रूव किया जाता है। स्ट्रेंथ इम्प्रूव होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप एक अच्छा मसल मास इंक्रीज कर सकते हो। सो बहुत सारी मिस्टेक भी होती हैं, कोई भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, परफॉर्म करना, टेक्निक्स, रेपिटेशंस, रेंज ऑफ रेपिटेशंस, वॉल्यूम, सो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे एंड वन मोर थिंग गाइस कि आप ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। चलो शुरू करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज के साथ में। उससे पहले हम वार्म अप कर लेते हैं, थोड़ा डायनेमिक स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट एक्सरसाइज फ्रॉम बेंच प्रेस। सबके साथ में स्टार्ट करते हैं, चार सेट लगाने हैं और आपको हर सेट में 12 से 14 रेपिटेशंस लगानी है। सो गाइस, फर्स्ट एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे बेंच प्रेस के साथ में। सो जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मसल बिल्डिंग के साथ साथ हम स्ट्रेंथ को भी गेन करेंगे, वो भी काफ़ी हेल्प करता है हमारी मसल बिल्डिंग को हेल्प देने में, ताकि आप हैवी वेट लगाओगे तो आपका मसल मास जल्दी बढ़ेगा। सो उसके लिए कुछ अलग क्राइटेरिया है, मेथड अलग है चेस्ट को ट्रेन करने का, बेंच प्रेस लगाने का। सो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे, हम करेंगे 5x5 एंड देन उसके बाद हम जो ट्रेनिंग करेंगे वो करेंगे 5x12। इसमें गाइस 5x5 आपकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा एंड 8x12 रेपिटेशंस आपकी मसल्स को बिल्डअप करने में हेल्प करेंगे। सो सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि जब आप 5x5 सेट लगा रहे हो, यानी कि 5 सेट 5 रेपिटेशंस, तो आपको एक ऐसा वेट चूज़ करना है अपनी स्ट्रेंथ के, अपनी स्ट्रेंथ आपको देखनी होगी कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको वेट चूज़ करना है जिससे आप 5 sets and 5 reps आप लगा पाओ, उसमें आप मसल्स को टारगेट कर पाओ, फेल कर पाओ। ऑलराइट, ऐसा ना हो कि आप वेट स्टार्टिंग में ज़्यादा ले लो एंड लास्ट के जो आपके 2-3 set हैं उसमें आप 5 repetitions आप ना लगा पाएँ। सो स्टार्टिंग में ही आपको ऐसा वेट चूज़ करना है जो लास्ट तक आप 5 repetitions निकाल लो। उसके बाद हम वेट चूज़ करेंगे कि जिससे आपके 12 repetitions आ जाएँ, 12 repetitions के अंदर आपकी मसल्स फेल हो जाए, वो भी लास्ट के 5th set तक। ऐसा उसमें भी नहीं करना है आपको कि लास्ट के सेट में आपका कहीं ऐसा ना हो कि लास्ट सेट में आप वो 12 repetitions ना निकाल पाओ। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेंच प्रेस के साथ में। Great,
मैनी ऑफ यू आस्किंग कि भैया वर्कआउट के बीच में क्या चाहिए, सो हियर आई एम यूजिंग माई प्रोटीन BCAA एंड ग्लूटामिन। आप भी ऑर्डर कर सकते हो माई प्रोटीन की साइट पे, एंड ऑल्सो यूज माई कोड हिमांशु, यू विल गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। अंदर आपको डंबल फ्लाई के साथ साथ में क्लोज ग्रिप डंबल प्रेस लगाना है। ये आपको हेल्प करेगा आपकी मसल्स को और भी ज़्यादा ब्रॉड होने में, मसल्स ज़्यादा बिल्डअप होगी, बम्प अच्छा आएगा, ट्राई ज़रूर करना इसको। तो इसके आपको 4 सेट लगाने हैं, एंड हर सेट में 12 से 14 रेपिटेशन आपकी आनी चाहिए, मसल फेलियर तक जाना है। और सेम वेट रहेगा आपका, मैक्स वेट जितना मैक्स लिफ्ट आप कर पाते हो उसका 70-80% आप वेट चूज़ करो, एंड उसके 12 से 14 रेपिटेशन से लगाओ। अगर आपकी मसल फेल 14 से ज़्यादा हो रही है तो इट मीन्स वेट कम है, वेट को थोड़ा इंक्रीज़ करो, एंड देन 14 रेप्स तक आप मसल को टारगेट करो, उसको मसल फेलियर तक आपको जाना है। Posing is also the part of bodybuilding. It helps to improve your muscle quality. Muscular होती है आपकी muscles. So बीच बीच में exercise के posing करना भी बहुत ज़रूरी है, posing करनी चाहिए आपको। We are starting our 4th exercise. इसमें आपको 4 से 5 setup लगा सकते हो, एंड मसल फेलियर तक आपको जाना है, एंड 14 से 16 repetitions आपकी हो सकती हैं। सो उसी हिसाब से आपको वेट चूज़ करना है, जिससे आपकी 14-16 repetitions में आपकी मसल फेल हो जाए। एक और गलती मैं आपको बता देता हूँ जो बहुत से लोग करते हैं, वो कोशिश करते हैं ऐसे इसको आगे लाने का, ये आपको नहीं करना है, आपके शोल्डर में इंजरी हो सकती है। इसका सही तरीका ये है, कितना भी वेट होगा आप इजीली इसको लिफ्ट कर पाओगे। चेस्ट आपकी अप होगी बिल्कुल, होल्ड करना है आगे आपको 1-2 सेकेंड। देखो बेटे, पंप दिखाते हैं हम आपको।